तो हम नुब्रा और पैंगोंग के रास्ते के एग्जैक्टली बीच में फंसे हुए हैं अभी, और हम इन चट्टानों के बिल्कुल नीचे यहाँ पे खड़े हुए हैं। कभी भी कोई पत्थर गिर सकता है हमारे ऊपर। अरे जल्दी भाग। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज आरजे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पैंगोंग नुब्रा वैली से। वी ऑल आर सेट एंड रेडी टू मूव टू पैंगोंग। सब ठीक है ना भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत सही। सो वी आर अगेन फीलिंग एनर्जेटिक। यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है। बारिश आने की संभावना है, फुल काले काले बादल छाए हुए हैं। ठीक है, ऑल सेट, चले लेट्स गो। तो ये होटल से बाहर निकले हैं और थोड़ा सा टेरेन वाला रास्ता है। सो हर बार की तरह हम फिर से लेट निकले हैं, और हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से शायोक रिवर को क्रॉस कर लें, क्योंकि फिर वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे ही वहाँ पे ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा है कि अभी पता चलेगा जब कमर में होगा दर्द, तो अभी वो रास्ता आने ही वाला है जस्ट। और जितनी ये खूबसूरत और मज़ेदार सड़कें हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं, लेकिन मैं तो पूरा फोकस्ड हूँ। तो कल जो है हम खलसर वाले रास्ते से आए थे और आज हम सुमूर वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो रास्ते में यह है पहला पेट्रोल पंप और हम यहाँ से भरवाते हैं ज़रा पेट्रोल और फिर आगे बढ़ते हैं। टैंकी फुल करके पैंगोंग तक पहुँच जाएगा ना? एक बस 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 भर गई टैंकी। ठीक है, थैंक यू। अभी ऑलरेडी हमारे पास पेट्रोल था, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड हमने पेट्रोल पूरी टैंकी दोबारा से फुल करा ली है। तो लेट्स प्रोसीड। तो इतनी रेत और बर्फ़ देखने के बाद फाइनली एक रास्ता मिला जो कि हरियाली वाला है, पूरा हरा भरा एकदम ढका हुआ। बीच पे से सड़क जा रही है, मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं ग्रीनरी, अमेजिंग है यार। यहाँ की सड़कें कुछ तो बढ़िया है, कुछ अभी बन रही हैं। तो देखो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मेरे दोनों साइड सैंड ही सैंड है, और यहाँ पे एटीवी राइड्स के भी ऑप्शंस हैं दोनों जगह। ऑल गुड। अरे तुम्हारे लिए रुको। हाँ, सनस्क्रीन लगा रहे हो? हाँ नहीं, आज नहीं लगाया, पहले दिन निकलते हुए लगाया था। तो गाइस सूरज एकदम मेरे सर पे है, एकदम कड़ाके की धूप है, लेकिन जो सामने बादलों और पहाड़ों का नज़ारा है अगर आप देखें, क्या अमेजिंग व्यू है यार। और ये जो है वो एकदम लेवल रोड है, कोई एलिवेशन नहीं है इस रोड पे। इस सुंदर नज़ारे के बीच समझ नहीं आ रहा यहाँ पे पानी कैसे आया, इतना ज़्यादा कीचड़ है, तो थोड़ा संभल के चला रहा हूँ। बहुत पीछे रह लिए हम, अब है लेवल रोड, तो चलो स्पीड अप करके इनसे आगे निकलते हैं। तो चलो, ये भी कोई मेरे को विलेज लग रहा है जो पैंगोंग के रास्ते में आया है। भाई ये कौन? तो गाइस ये देखो, ये कितना प्यारा कपल है यार, इतनी उम्र तक साथ में हैं लोग, इतना प्यार है। तो बस यहीं तक थे वेल मेंटेन रोड, इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी ऑफ रोडिंग, वो भी तगड़े वाली। तो देखो ये काफ़ी तगड़ी ऑफ रोडिंग है, बहुत ऊपर खापड़ है भाई, संभल के चलाना भाई, काफ़ी तगड़ी ऑफ रोडिंग है, संभल के चलाना। तो लगभग 50 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग थी, जिसके अंदर रेत आई, बड़े बड़े पत्थर आए, जिसकी वजह से मैं खड़े होकर बाइक चला रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। और फिर हम पहुँचे। तेरी कमर ठीक है? अबे कमर ठीक है भाई, उसने खुद के दर्द करने लग के बैठे हैं। क्या? उसने खुद के दर्द कर। हाँ तभी तो मैं खड़े होकर चला रहा था। बहुत गंदे दर्द करते हैं, इस पे बैठूंगा भाई मैं, थोड़ी देर की गद्दी थोड़ी सही लग रही है। बैठ जा। और सुब्रमण्या ऑफ रोडिंग बड़ी तगड़ी चल रही है? और क्या, मस्त चल रही है, मजा आ रहा है, मजा पूरा। तो गाइस इधर हम रुके हैं थोड़ी देर पानी ब्रेक के लिए। ऑफ रोडिंग माड़ी माड़ी कुंडी सिक्कावड़े नौता है गुरु। तो ये पैंगोंग का रास्ता सारा ऑफ रोडिंग वाला है, आप देख सकते हो मेरे आसपास। तो गाइज ये ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुंचे हैं इस ब्रिज पे जो कि शायोक रिवर के ऊपर है। तो रास्ते में आया ये ब्रिज जो कि काफ़ी सुंदर है और मज़ा आया इस बाइक चलाने में। तो गाइज आगे तो देखो रास्ता ब्लॉक्ड है और अभी कोई चांसेस नहीं है इसके, सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पीछे लाइन लग गई है। हाँ अभी टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। अभी यहाँ से पैंगोंग का रास्ता कितनी दूर है और भैया? 110 किलोमीटर। 100 माइनस 100 से थोड़ा बहुत ऊपर है भाई, आधा घंटा लग जाएगा अभी क्लियर होने में। हाँ क्या हो गया? बेयरिंग शॉर्ट है। तो भैया रास्ता क्लियर हो चुका है? हाँ रास्ता क्लियर हो गया। रास्ता क्लियर हो, उसका स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हो रहा है, बीच बीच में रुक भी रहा है। अरे उसके फंस गई बाइक क्या? अरे यार ये सुबह की बाइक खराब हो गई बीच में। रास्ता तो क्लियर हो चुका है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई है, सुबह की बाइक फिर से खराब हो गई है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। साइड में लगा दे, साइड में सुबह साइड में लगा, एक बार स्टार्ट हो जाए, चलाए रखियो, रोकियो मत, छोड़, ये स्टार्ट हो गई, रुक जा एक मिनट, रुक जा। अरे जल्दी भाग, वो कह रहा ऊपर से पत्थर आ रहा है।
अरे हम आगे लेके चलते हैं, फिर आ जाएंगे। ला कौन सी चट्टान गिर रही है। तो यहाँ पर कुछ और बाइकर्स भी इकट्ठा हो गए हैं हमारी हेल्प करने के लिए, तो देखते हैं जरा क्या होता है। अरे एक बार मेरे को दे दे, तुम लोग जाना मत, यहीं रहना। उधर पहुंचने के बाद में भाई मिट्टी इतनी है तो ना। ये जो हैंडल है ना, जब ये मोड़ते हैं तभी स्टार्ट होती है। फायरिंग इशू है, कोई देखते है। कुछ बांधने का है तो निकाल, बांधने का है अपने पास। हैंडल मोड़ने पे देख बंद हो जाती है, देख हैंडल मोड़ूंगा ना, ये देख बंद हो गई। भाई बहुत समस्या हो गई यहाँ पे, सुबू की गाड़ी खराब हो गई है। ये सुबू की बाइक खराब हो गई और हम ट्राई कर रहे हैं इसको कब से, और हमारे दोनों तरफ देखो हम कहाँ फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड हुआ था, उसके जो पत्थर है उसको समेटा जा रहा है ट्रक में भर भर के, और हमारे इस साइड भी यही सेम काम हो रहा है। तो हम इसके बीच में फंस चुके हैं और हम इन चट्टानों के बिल्कुल नीचे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कभी भी कोई पत्थर गिर सकता है हमारे ऊपर। तो हम नुब्रा और पैंगोंग के रास्ते के एग्जैक्टली बीच में फंसे हुए हैं। अभी पैंगोंग 100 किलोमीटर और आगे है और हम रास्ते में देखो फंस चुके हैं भाई, परेशान है हम। और ये देखो चट्टानों के नीचे हैं बिल्कुल यार, तो या तो फिर कोई सेफ जगह पे होते तो इतना परेशान नहीं होते। गंदा जगह पे फंस चुके हैं हम, और नेटवर्क भी नहीं है। हाँ, और इधर फोन नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इसी स्ट्रेच इसी एरिया में पैंगोंग के इसी रास्ते पे फोन नेटवर्क नहीं आते और वहीं पे हम फंसे हैं। ये देखो ट्रक में भर भर के पत्थरों को लाद के आगे पहुंचाया जा रहा है भाई साहब, ये पत्थरों को नदी में फेंका जा रहा है, वहां से जो गिरे हैं पत्थर अभी कहीं हमारे ऊपर ना गिरे। भाई पीछे कर ले बाइक थोड़ी सी। ओ भाई यार, वो दुकान कितने पीछे निकली है खाने पीने वाली, वहां पर 15-20 किलोमीटर है। इसको पीछे धक्का मार के वापस ले जा, माना कर वहीं पे रह लेंगे हम आज रात को। अगर हाँ यही कह रहा था तो उसको बुला लेंगे, उधर नेटवर्क है नहीं, उसके फोन से कर लेंगे, किसी के लैंडलाइन होगा कुछ होगा। आगे वो जो भैया बोल 50 किलोमीटर आगे है, बीच में फंस जाएंगे। 50 किलोमीटर बहुत लंबा स्ट्रेच, बहुत लंबा स्ट्रेच है भाई। अरे 50 किलोमीटर नहीं, उससे पहले ही मिलेगा इधर जो वॉकेट। देख जो भी दुकान है ना वो हमेशा सेफ होती है, जो खाने पीने की है वो सोने की भी जगह दे देगा, पैसे ले लेगा एक्स्ट्रा कुछ कर लेगा, बात माना कर। वहाँ से पिकअप हो भी जाएगा, उसकी निशानी भी दे सकते हैं कि ये दुकान का नाम है। गाड़ी कैसे लेके जाएंगे वहाँ तक, गाड़ी कैसे लेके जाएगा? अरे पैर से दो बाइकों से धक्का लगा लगा के नहीं हो पाएगा, वो ऑफ रोडिंग है भाई, वो पिकअप आने दे, उससे पूछते हैं। तो पिकअप कौन सा पिकअप है? उधर एक पिकअप है, उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, उधर डिगिंग कर रहा है ना। हाँ, उसके वजह से वो जान नहीं दे रहा है। पिकअप करते हैं, पैंगोंग छोड़ यार, पैंगोंग बाढ़ में जाए यार, पैसे जितने मर्जी लग जाए लेकिन अभी जो अर्जेंट है वो तो सुलझे। हम कहाँ पे खड़े हैं देखो, कितने खतरनाक रास्ते पे। इसके बाद क्या हुआ, क्या हम पैंगोंग पहुंच पाए या नहीं, तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसके अगले पार्ट में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, और इसका पार्ट टू और लद्दाख की पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और मिलते हैं आपसे इसके पार्ट टू में। तब तक के लिए बाय बाय।